आपका एक और नई वीडियो। तो भाई आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन किसान पुत्र, और आज अपने भाई मेसी की डीलरशिप पे हमारे यहाँ जो कोटा के अंदर डीलरशिप है, तो यहाँ पर एक ट्रैक्टर देख सकते हो आप जो मेसी का मेसी 4 वर्जन 5118। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल छोटा ट्रैक्टर है, देख सकते हो किस किस काम के लिए बना हुआ है ये ट्रैक्टर, कौन कौन से काम करेगा ये, तो सब इस वीडियो में देखोगे आप। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। और भाई जैसे कि चैनल पर आप पहले बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम मन्नू हुसैन है जी, और मैं टैफे कंपनी से हूँ जी, जयपुर से। आज मैं मेसी फर्गुसन 5118 ट्रैक्टर के बारे में किसान भाइयों को थोड़ा सा कुछ वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे जी। ये मैसी में जो है सबसे छोटा ट्रैक्टर है, 5118 का ट्रैक्टर है। अच्छा, 18 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 18 एचपी का ट्रैक्टर है। हम इसकी जो है इंजन की बात करेंगे, सिंगल सिलेंडर का इसका इंजन है। अच्छा, इसके अंदर सिंगल सिलेंडर वाला इंजन है जी। इसमें जो है दो, हमारे पास दो वेरिएंट आते हैं, एक टू व्हील ड्राइव भी आता है जी, और फोर व्हील ड्राइव भी है। ये टू व्हील ड्राइव है, फोर व्हील ड्राइव अगर कस्टमर को चाहिए तो वो हमारे पास उपलब्ध है, वो मिल जाएगा जी। हमें इसके लिए क्लस्टर असेंबली इसका जो है ये डिजिटल है, ये डिजिटल है। इस टाइम क्लस्टर इसका जो है पूरा डिजिटल है जी। और इसमें क्या है कि ये फ्यूल टैंक का है, ये माइलोमीटर का है, ये टेम्परेचर का है मीटर जी। और हम इसमें देखेंगे हाई लो का, ये वाला जो लीवर है ये हाई लो का लीवर है। उसके बाद इसमें जो है, इसमें जो P2 है इसमें ड्यूअल P2 है। अच्छा, इसके अंदर भी ड्यूअल P2 वाला ऑप्शन मिलता है। तो सर जैसे कि किसान भाई अगर ये ट्रैक्टर लेता है तो कौन कौन से काम के लिए इसे यूज कर सकता है? ये मतलब क्या है कि जैसे आपको ये छोटा ट्रैक्टर है, तो जैसे मान लो कि आपको ये टेंट का सामान जो है, या अपने पास गैस की एजेंसी है जी, जी। टैंकर लेकर वो गैस की जो टंकियां होती है उनको गांव-गांव सप्लाई करना होता है। अच्छा, और जैसे कि छोटे मोटे काम के लिए, बगीचे खेती बाड़ी के लिए, बगीचे होते हैं जैसे कि बहुत किसान भाई बगीचे के लिए, तो उनके बीच में इसे वर्क कर सकता है आराम से। तो सर इसके अंदर जो पीछे वाले जो टायर है उनके बारे में बताएं, कौन से टायर दिए इसमें? जो टायर है जी वो 8 का टायर है इसमें। तो भाइयों इसके अंदर MRF वाले जो टायर मिलते हैं, 8-18 इनकी साइज है, साइज है वो 8-18 की साइज रखी है। और इसमें फ्यूल लिंकेज पॉइंट जो है इसका ये हाइड्रोलिक सिस्टम जी जी। तो भाइयों अब इसकी लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में जानते हैं, कितनी लिफ्ट कैपेसिटी मिलने वाली है? 800 kg। अच्छा, 800 kg लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है इस ट्रैक्टर की। और इसमें जो है ये हम देखेंगे इसकी, ये लिफ्ट में दो लीवर है, ड्राफ कंट्रोल, पोजीशन कंट्रोल लीवर। यहाँ पर जो इसके लिफ्ट के जो लीवर हैं वो देख सकते हो आप, ड्राफ और पोजीशन। और ये इसमें ये वाला मेन गियर है ना इसका? ये मेन गियर है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और रिवर्स। अच्छा, 5 8+2 इसमें गियर। और इसमें ब्रेक कौन से वाले हैं? ये ब्रेक ऑयल ब्रेक है सर इसमें। अच्छा, इसमें ऑयल ब्रेक मिलने वाले हैं, ऑयल ब्रेक मिलने वाले हैं। और इसकी जो एक्सीलेटर है, पैर वाली जो रेस देख सकते हो यहाँ पर, और हार्ट का है एक्सीलेटर। और इसके अंदर जो डीजल टैंक है वो कितना है सर? डीजल टैंक जो है इसका जी वो 28 लीटर का इसमें डीजल टैंक है। अच्छा, 28 लीटर का डीजल टैंक मिलता है। और सर भाइयों और जैसे कि आप इसके पैरदान देख सकते हो, काफी स्पेस है यहाँ पर भी। और जो इसकी सीट है वो आपको पिक्स वाली जो सीट मिलती है इसके अंदर। और यहाँ पर इसका जो मिरर दे रखा है कांच, और जो इसका बोनट देख सकते हो आप, जो पहले मेसी आते थे उसी तरह का डिजाइन मिलता है ट्रैक्टर का। पुराना जो मैसी है जी जी जी, आर मॉडल में, रेगुलर में, वो इसमें उसी मॉडल में दिया है। और सर इसमें आगे वाले जो टायर हैं वो कौन से वाले टायर मिलते हैं इसमें? ये जो टायर है इसके टायर की साइज है ये 0.25+14। तो भाई देख सकते हो MRF के जो 5.25+14 के टायर मिलते हैं इसके अंदर। और आगे वाला जो एक्सल है वो देख सकते हो, ये फ्रंट एक्सल है इसका, फ्रंट एक्सल पिक्स है। इसमें ये बैटरी रखी हुई है जी जी जी, आगे इसमें फ्रंट के अंदर ही बैटरी दी हुई है। और ये इसका साइलेंसर है, यहाँ पर इसका साइलेंसर देख सकते हो। ये जैसे पतली गली में या बागान की खेत में इसमें चलाओगे आप, तो ये जो है वही मतलब कहीं अड़ेगा नहीं साइलेंसर। अच्छा, आराम से निकल जाएगा ये, आराम से निकल जाएगा। तो भाई ये ट्रैक्टर देखा जैसे कि आपने असली साइड सीट है, इसमें गियर बॉक्स, अच्छा अच्छा साइड में गियर दिए इसके, ये सारे जी जी, और कंफर्टेबल। तो भाई बैठने के बाद जो देख सकते हो आप स्पेस भी है काफी इसके अंदर। और सर इसे अब थोड़ा स्टार्ट करके बताएं इसका साउंड है जो,
तो ये था भाई इसका साउंड। अब थोड़ा इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं भाई, किसान भाइयों को किस प्राइस तक मिलेगा ये ट्रैक्टर? तो सर जैसे कि इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में जाने अपन, तो कितनी प्राइस में है ट्रैक्टर? इसकी ऑन रोड जो प्राइस है जी वो 380,000 रूपए है। अच्छा, इसमें कागज बीमा सब कुछ आ जाए। अच्छा, तो पर वो जैसे कि एजेंसी पे अगर थोड़ा बहुत जो भी डिस्काउंट वगैरह होता है तो कस्टमर आएगा तो फिर इसमें जो भी गुंजाइश होगी वो निकाल के देंगे। तो सर जैसे कि यहाँ का एड्रेस की बात करें अपन, तो यहाँ का एड्रेस बताएं। ये इसका जो डीलरशिप का हमारा जो एड्रेस है जी, ये वही ये है ऑटोमोबाइल जोन जी, जो ऑटोमोबाइल जोन है डकना स्टेशन जो रोड है, इस डकना स्टेशन के पास में ऑटोमोबाइल जोन में कैश फोर्ड कार का शोरूम है, उसके अंदर ही हमारा मेसी का शोरूम है। अच्छा, यहाँ का जो एड्रेस मोटर एंड ट्रैक्टर्स के नाम से शोरूम है। जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। तो भाई उम्मीद करूंगा ये वीडियो में थोड़ी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, और चैनल पर पहले बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं भाई आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।